दोस्तों आज हम सबको पता है कि तालिबानियों ने अफगानिस्तानियों को मार मार कर उन पर अधिकार कर लिया पूरे अफगानिस्तान पर और वहाँ की गद्दी पर बैठ गए। क्या दोस्तों आपको पता है कि पृथ्वीराज चौहान हमारे वीर सम्राट का संबंध भी अफगानिस्तान से, क्योंकि जब मोहम्मद गौरी ने अटैक किया था तो वो बंदी बनाकर धोखे से और उनको गजनी ले गए था अफगानिस्तान में और वहाँ पर इनको बोला कि इस्लाम कबूल कर। लेकिन हमारे वीर हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने नहीं बोला हम हिंदू हैं और हमें हिंदू होने पर गर्व है, तो इसने क्या किया, लोहे की राड गरम करके और इनकी आंखों में डाल दिया जिससे इनकी आंखें फूट गई, लेकिन इन्होंने फिर भी नजरें नहीं झुकाई। तो फिर पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, शब्द बेदी बाण से इसकी आवाज़ सुनकर ही बिना देखे इसकी गर्दन में तीर मार दी और उसको वही ढेर कर दिया। ये होता है जलवा कि दूसरे के देश में जाने के बाद आंखें न होने के बाद भी हिंदू ने अपना प्रण पूरा किया। फिर दोस्तों क्या किया कि वहाँ के लोगों ने पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की वहीं पे समाधि बना दी, तो मोहम्मद गौरी का एक मंदिर बना दिया। तो जो भी मोहम्मद गौरी के मंदिर में जाता था अफगानी, तो वो पहले पृथ्वीराज चौहान को चप्पल जूतों से मारता था उनकी समाधि को, और ये चीज़ अब तक चलती आ रही है। इसलिए यही बोला जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसा उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ किया वैसा आज बर्रे वो तालिबान कर रहे हैं उनके साथ, सबको पता है। तो दोस्तों यही बताना है कि हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो ये नहीं है कि कोई नहीं देख रहा है, हिंदुस्तानी देखने नहीं आ रहे हैं, ये गलत है, क्योंकि वो ऊपर वाला सब चीज़ देखता है। तो यही है कि हमें किसी से बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाला अपना हिसाब पूरा कर लेगा, देर से ही सही लेकिन वो लेगा हिसाब सबका एक एक का। तो यही है, ऊपर वाले पे विश्वास करो और किसी के साथ गलत मत करो तो आपके भी साथ कभी गलत नहीं होगा। यह है हिंदुस्तान की भाषा। तो हिंदुस्तान में किसी के साथ गलत नहीं करते तो कभी इसके साथ भी गलत नहीं होता, और जो आता है वो ठुक के ही जाता है।